نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألهم مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको इस दुनिया में एक मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है और ये दुनिया एक महज गुजरगाह नहीं है बल्कि ये दुनिया इम्तिहानगाह है। यहाँ जो इंसान मेहनत करता है उस मेहनत का बदला उसे आखिरत में मिलेगा। इंसान जो अमल करता है उस अमल का सिला और बदला उसे आखिरत में मिलेगा। यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदा, उस दिन आदमी देख लेगा मा कद्दमत यदा कि उसके हाथों ने क्या आगे भेजा है। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, उस दिन हर इंसान जान लेगा कि क्या अमाल उसने आगे भेजे हैं और क्या अमाल उसने पीछे छोड़े हैं। अलिमत नफ्सुम मा अहबरत, उस दिन आदमी देख लेगा जान लेगा कि क्या अमाल वो लेकर अल्लाह पाक के दरबार में पहुंचा है। उरिदु अला रब्बिका सफ्फा, सब के सब अपने परवरदिगार के सामने पेश होंगे और सब के सब के नामे अमल जब सामने आएंगे। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, فرمایا کہ جس دن نامہ عمل تقسیم ہوں گے اور ہر ہر انسان کے سامنے اس کا کیا ہوا عمل آئے گا اور ہر انسان اپنے عمل کو پڑھے گا اور جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, वो अपने नामे अमल को पढ़ेगा। वला युज़लमून फतीला, उस पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा और अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म होगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, खुद ही आज अपना नामे अमल पढ़ लो और खुद ही अपने अमाल का तुम हिसाब कर लो कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है, जन्नत वालों में तुम्हारा अंजाम है या जहन्नम वालों में, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है या अबदी जिंदगी जन्नत की नियामतों के अंदर रहोगे। खुद फैसला कर लो, हर आदमी अपना फैसला खुद ही कर लेगा। वजदू मा अमिलु हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, जो अमल किया हुआ होगा सबका सब अमल सामने आ जाएगा और ये इंसान नवे अमल को देखकर कहेगा या लैतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतं वला कबीरा, क्या हुआ इस नवे अमल को, ये सब कुछ लिख के ले आया है, न छोटा अमल इसने छोड़ा न बड़ा अमल छोड़ा, मेरी तन्हाई की जिंदगी भी लिखी हुई है, मेरी मजलिस की जिंदगी भी लिखी हुई है,
मेरी घर की जिंदगी भी लिखी हुई है, मेरी बाजार की जिंदगी भी लिखी हुई है, मेरा घर में चलना फिरना और घर से बाहर निकलना वो सब कुछ लिखा हुआ है, मेरी जबान से निकलने वाला एक एक बोल लिखा हुआ है, मेरे कान की एक एक समाअत लिखी हुई है, मेरी आंख की एक एक हरकत इसमें मौजूद है। يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, आंख की क्या बात है जो दिल में ख्यालात आते रहे, जो दिल में वसवसे पकते रहे, जो दिल में नफरतें पैदा होती रही, जो दिल में अदावतों के ढेर लगते रहे, वो सब के सब लिखे हुए, वो सब सामने मौजूद है। उस वक्त इंसान इनकार करेगा, कहेगा ये मेरे कानों ने नहीं सुना, ये मेरी जबान ने नहीं बोला, ये मेरी आंखों ने नहीं देखा, ये मेरे हाथ की हरकतें नहीं है, ये मेरे पैर की हरकतें नहीं है, ये आमाल मैंने नहीं किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जानने के बावजूद इत्माम हुज्जत के लिए अल्लाह पाक मुंह पर मोहर लगा देगा। ये इंसान कहेगा फरिश्तों ने ज्यादती कर ली, इन्होंने जबरदस्ती लिख दिया, ये आमाल मैंने नहीं किए। अल्लाह जबान पर मोहर लगा देगा। اليوم نختم على افواههم مه بربر وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, हाथ बोलने लग जाएंगे, पैर बोलने लग जाएंगे, कान बोलेगा इसने जो सुना, आंख खुद बताएगी इसने जो देखा, हाथ खुद बोलेगा जो इसने पकड़ा, पांव खुद गवाही देगा जहां ये चल के गया है, जिस्म का एक एक उज्व बोलेगा, जिसम का एक एक हिस्सा हरकत करेगा, अल्लाह के यहाँ ये बोल रहा होगा। ताज्जुब करेगा इंसान, क्यों तुम बोल रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी लज्जतों के लिए तुमने ये सब कुछ किया था। तो अल्लाह पाक की तरफ से इनको गोयाई अता होगी, ये कहेंगे अंतकल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शै, उस परवरदिगार ने हमें गोयाई अता फरमाई है, उस रब ने हमें बोलने का सलीका दिया है, जिसने हर चीज को बोलने की सलाहियत दी है, उस अल्लाह ने हमें बुलवाया है। वो जिल्लत, वो रुसवाई, वो बर्बादी, वो तबाही, उस तबाही और बर्बादी से, उस जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया गुजरगाह नहीं है, ये मैदान है अमल का, ये अमल की जगह है, ये इम्तिहान गाह है, ये गुजरगाह नहीं है। एक एक अमल हमारा तोला जाता है, एक एक बात हमारी लिखी जाती है, एक एक हरकत अल्लाह के पास महफूज होती है, कुछ भी नहीं बच सकता, कोई भी अल्लाह के यहाँ छुप नहीं सकता। दिलों के ख्यालात भी अल्लाह जानता है, आंखों की हरकतें भी अल्लाह जानता है, हाथों की हरकतें भी अल्लाह जानता है, पांव की हरकत से भी अल्लाह पाक आगाह है। वो रब, वो खालिक, वो मालिक, वो आलिम बिनाती सुदूर है, उससे कोई शय नहीं छुप सकती, उससे कोई चीज मख्फी नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा है कि उस आखरत को जहां तुमसे हर हर अमल का पूछ होगी, बाजपुरस होगी, सवाल होगी, होगा, उस आखरत के लिए अपने आप को तैयार कर लो। इरशाद फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ लगाओ, जल्दी करो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ, उन आमाल को इख्तियार करो जिन आमाल के जरिए से तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है, उन आमाल को अपनाओ जिन आमाल के जरिए से बख्शिश और मगफरत के फैसले होते हैं, वह जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, अर्दुहस समावात वल अर्द, जिसकी चौड़ान जमीनों और आसमानों के बराबर है, सातों आसमानों को मिला लिया जाए, सातों जमीनों को मिला लिया जाए, जितनी चौड़ान बनेगी, इतनी चौड़ान, इतनी जन्नत, अल्लाह पाक सबसे अदना जन्नती को इतनी जन्नत अता फरमाएगा। उइद्दत लिलमुत्तकीन, फरमाया ये जन्नत अल्लाह ने तैयार करके रखी है उन लोगों के लिए जो गुनाहों से बचने वाले हैं, कुफर से बचने वाले हैं, गुमराही से बचने वाले हैं, शुबहात और शकूक से अपने आप को बचाते हैं, वसावेस से अपने आप को बचाते हैं, ईमान की तरफ आते हैं, हराम से अपने आप को बचाते हैं,
नाजायज चीजों से अपने आप को बचाते हैं, मकरूहात से अपने आप को बचाते हैं, हर वो चीज जो अल्लाह की नाराजगी का जरिया बन जाए उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। उद्दत दिल मुत्तकीन, इस जन्नत को हमने तैयार किया है मुत्तकियों के लिए, ये काफिरों के लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए है, ये मुत्तकियों के लिए है, ये नेक लोगों के लिए है, गुनाहों से बचने वालों के लिए है, आमाल सालेहा करने वालों के लिए है। चंद आमाल फिर गिनवाए, ये आमाल है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बख्शिश का फैसला इन आमाल पर होता है, इन आमाल पर मगफिरत का फैसला होता है, इन आमाल पर जन्नत का फैसला होता है। वो क्या आमाल है? नंबर एक, الذين ينفقون في السراء والضراء, हर हाल में अल्लाह की राह में माल को खर्च करना, सर्रा में जर्रा में तकलीफों में भी माल खर्च करना, मुसीबतों और परेशानियों में भी अल्लाह की राह में माल खर्च करना, खुशी के मौके पर भी अल्लाह की राह में माल खर्च करना, तंगदस्ती के मौके पर भी माल खर्च करना, वसात के जमाने में भी माल खर्च करना, कुर्बान जाऊं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दीन खूबसूरत और प्यारा दीन लेकर आए, जिस दीन में माल की कसरत का एतबार नहीं है कि किसने ज्यादा खर्च किया, नहीं नहीं, उस दीन में एतबार इस बात का है किसने अच्छी नीयत से माल खर्च किया। थोड़ा खर्च हो, बेहतर नीयत हो, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने इसलिए दुनिया में तुम्हें भेजा है ताकि वो जानना चाहे, ताकि उसके सामने ये आमाल तुम्हारे आ जाएं और वो देखे तुम में से कौन इंसान अच्छा अमल करके लाता है, ये नहीं कहा तुम में से कौन ज्यादा अमल करके लाता है। अच्छा अमल, हुस्ने अमल, हुस्ने अमल, बेहतरीन अमल, हुस्ने अमल, थोड़ा अमल हो। हदीस पाक में आता है, अहब्बुल अमाल इलल्लाह अद्वमुहा व इन कल्ला, अल्लाह के नजदीक महबूब अमल वो होता है जिस पर हमेशगी हो, जिस पर दवाम हो, वो इन कल्ला, अगरचे वो थोड़ा हो। अमल दो चीजों से खूबसूरत बनता है, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी से, और दूसरा अल्लाह की रजा से। जिस कदर अल्लाह की खुशनूदी हो, अल्लाह की रजा हो, अल्लाह तबारक ताला को राजी करने का जज्बा हो, इखलास हो अमल में, अमल में हुस्न पैदा होता है। जिस कदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल हो, इस कदर अमल में हुस्न पैदा होता है। अमल में हुस्न इन दो चीजों से आता है, इत्तबाए नबवी से और इखलास के जरिए से। अपने तमाम आमाल के अंदर ये दो बुनियादें पैदा करो, नमाज में इत्तबा हो, नमाज में इखलास हो, खर्च करने में इत्तबाए नबवी हो, खर्च करने में इखलास हो, तिलावत करने में इखलास हो, तिलावत करने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो, अखलाक हसना इख्तियार करने में अल्लाह की रजा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो, हर हर अमल के अंदर इन दो बुनियादों को मद्देनजर रखा जाए जिनसे अमल खूबसूरत बनता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी से, आपके तरीके के मुताबिक करने से अमल में हुस्न पैदा होता है, और दूसरा अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा दिल में हो, इससे अमल में हुस्न पैदा होता है। इसलिए जन्नत के आमाल में से एक अमल ये बताया, युन्फिकून फिस्सर्राए वद्दर्रा, तंगदस्ती के जमाने में भी, वुसअत के जमाने में भी अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले हों। ये वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है, वो अमल है जो इंसान को अल्लाह तबारक ताला की जन्नत के करीब करता है, वो अमल है जिसके जरिए से अल्लाह की बख्शिश और मगफिरत हासिल होती है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अपने आप को जहन्नम की आग से आजाद करा लो, अपने आप को दोजख से आजाद करा लो, अल्लाह की राह में सदका देकर आजाद करा दो। अगर माल न हो सदका सदका करने का, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, खजूर का आधा टुकड़ा भी अल्लाह की रजा के लिए दिया हुआ हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दिया हुआ हो, तो वो
जहन्नम से खुलासी का और जन्नत में दाखिले का जरिया बन सकता है। खजूर का आधा टुकड़ा उसकी भला क्या हैसियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ जिक्र किया, साफ साफ ये बात इरशाद फरमाई, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, चाहे खजूर का आधा टुकड़ा ही सदका करके क्यों ना बचाना पड़े, तब भी तुम अल्लाह की राह में ये खजूर का आधा टुकड़ा भी सदका करो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। आप अलैहिस्सलाम का गुजर एक मरतबा औरतों के पास से हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सामने दो बातें जिक्र फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, या माशरल निसा, ऐ औरतों की जमात, वइन्नी उरीतुकुन्न अक्सरा मिन अहलिन नार, मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा है। मेराज के मौके पर मुझे जन्नत के नजारे, जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए, अक्सर मैंने जहन्नम में औरतों को देखा है। औरतों ने पूछा, बिमा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारा क्या जुर्म है, किस जुर्म की वजह से हमें आपने जहन्नम में ज्यादा देखा है। आपने दो गुनाह जिक्र फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुकफिरन लान व तकफुरन आशीरा, नंबर एक तो तुम लानतान बहुत ज्यादा करती हो, हर हर बात पर लानत के जुमले जबान पर आना शुरू हो जाते हैं, फटकार के जुमले जबान पर आना शुरू हो जाते हैं, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, गर्क हो जाओ, ये सब लानत के कलिमात हैं। अपनी औलादों को लानत के जुमले कहकर औलादों को कोसना, माल को कोसना, शोहर को कोसना, घर के अंदर किसी और चीज पर लानत का जुमला बोलना, ये सख्त तरीन गुनाह है। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की फटकार तुम्हें हासिल हो, बहुत बड़ा जुर्म है। हदीस पाक में आता है, जब कोई शख्स किसी पर लानत करता है, अगर वो लानत का मुस्तहिक होता है तो उसे लानत पड़ती है, और अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं होता तो लानत पलट कर वापस लानत देने वाले की तरफ आ जाती है। लानत का मुस्तहिक काफिर होता है, जिसका खात्मा कुफ्र पर होता है, कुफ्र पर खात्मा जिसका यकीनी होता है। या कोई ऐसे चंद आमाल है जिनका तज़किरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसलिए लानत से इज्तिनाब करना चाहिए। आपने दूसरा जुर्म गिनवाया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व तकफुरन आशीरा, शोहरों की नाशुक्री करती हो, जबान जबान पर नाशुक्री, बात बात पर नाशुक्री, जबान पर शुक्र गुजारी के कलिमात नहीं आते। शोहर को अजियत देना, शोहर को तकलीफ देना, शोहर की नाशुक्री करना, सारा दिन बाजार की मेहनत करता है, सारा दिन खाद छानता है, माल कमाता है, घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ माल घर में लेके आता है, घर में उसकी कदर न हो, घर में उसकी इज्जत न हो, घर में उसको हैसियत न दी जाए, उसे जलील किया जाए, उसे रुसवा किया जाए, और उसको ऐसे जुमले बोले जाए, तंजिया कलिमात कहे जाए, ये सब नाशुक्री की बातें हैं। जो भी कमा के लाता है, थोड़ा लेके आए, ज्यादा लेके आए, अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी अखराजात बीवी को देता है, बीवी का ये मिजाज होना चाहिए, उस पर शुक्रगुजारी करे और शुक्र अदा करे, औलादों के दिलों में शुक्र की कलिमात डाले, औलादों की जबानों पर भी शुक्रिया के कलिमात हो, खुद भी शुक्रिया अदा करे। मन लम यश्कुर नास लम यश्कुर अल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, फरमाया वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। बंदों का शुक्र तो अदा करना सीखो। किसी तरह से तुम्हारे पास कोई एहसान पहुंचता है, किसी ने तुम्हारे साथ कोई भला किया, किसी ने तुम्हारे साथ कोई नेकी की, उस नेकी का बदला ये है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेकी का बदला देकर शुक्र अदा किया करते थे, और फरमाया अगर तुम्हारे पास बदला देने के लिए कुछ न हो तो कम अज कम जज़ाकअल्लाहु खैर ही कह दिया करो। जिसने जज़ाकअल्लाहु खैरा कह दिया, उसने शुक्रिये का हक अदा कर दिया। तो आपने औरतों को ये दो बातें बताई। आपने फरमाया कि तुम सदका करती रहा करो, इसलिए कि मैंने अक्सर तुम्हें जहन्नम में देखा है। पूछा अल्लाह के रसूल, क्या गुनाह है, किस जुर्म की वजह से? आपने फरमाया, लान तान करती हो और शोहरों की नाशुक्री करती हो। जहन्नम से बचने के लिए क्या अमल बताया, जन्नत के हासिल होने के लिए क्या अमल बताया? अल्लाह की राह में माल सदका देती रहा करो।
और दूसरा अमल जो यहाँ बताया गया वल काज़िमीन अल गैज़, सूरह आले इमरान की इस आयत में वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पीना, गुस्से को दबा लेना, गुस्से को दबा लेने वाले ये मुत्तकीन हुआ करते हैं, ये अल्लाह से डरने वाले हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से का घूंट पी जाते हैं। गुस्सा आया है, जवाब दे सकता है, लेकिन गुस्सा अपने अंदर दबा लेता है, अपने अंदर गुस्से को काबू में कर लेता है। हदीस पाक में आता है पहलवान वो नहीं, ताकतवर वो नहीं पहलवान जो किसी को गिरा दे, किसी को नीचे कर दे, किसी को बिछाड़ दे, नहीं, पहलवान वो है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू पा ले, ये पहलवानी है। दो दुश्मन सामने आगे, एक जिस पर आदमी गुस्सा कर रहा होता है, चाहे वो शोहर हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो घर का कोई फर्द हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे भाई हो, जिसको आदमी ने दुश्मन समझा हुआ है, हालांकि वो दुश्मन नहीं है, थोड़ी देर के लिए कोई उसकी बात नागवार गुजरी तो उस पर गुस्सा आ गया है। एक ये दुश्मन है और एक वो अंदर दुश्मन बैठा है शैतान, जो इस वक्त रग रग में खून खून में दौड़ रहा है, जहां जहां तक खून जाता है वहां वहां तक वो दुश्मन दौड़ रहा है। अब मर्जी आपकी, दो दुश्मन सामने है, एक जिस पर गुस्सा आया और एक जो गुस्सा अंदर से दिला रहा है और जो अंदर से जज्बात उभार रहा है और इंतकामी कार्रवाई पर तैयार कर रहा है और वो चाहता है कि जबान से ओल फोल बकना शुरू कर दे, वो चाहता है इसका हाथ उठे, वो चाहता है इसका पैर उठे, वो चाहता है ये ऐसे लफ्ज बोल दे ताकि हमेशा के लिए मियां बीवी के दरमियान में जुदाई हो जाए। ये अंदर शैतान है जो ये बुलवाना चाहता है, ये अल्फाज कहलवाना चाहता है, ये गुनाह के अल्फाज कहलवाना चाहता है। एक ये अंदर दुश्मन बैठा हुआ है जो रग में दौड़ रहा, जो खून के अंदर दौड़ रहा, और एक वो सामने दुश्मन है जिसको दुश्मन समझ बैठा है, हालांकि वो शोहर हो सकता है, बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, वो दुश्मन नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए उस पर गुस्सा आया हुआ है। अब मर्जी है कि कौन से दुश्मन को काबू करे, सामने वाले को काबू करे या अंदर वाले को काबू करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं पहलवान वो है जो अंदर वाले को काबू करे, जो अंदर इस वक्त उभार रहा है गुस्से पर, जो गुनाह पर उभार रहा है, जबान पर बेहुदा कलिमात वो लाने की दावत दे रहा है, अंदर से जो इंतकामी कार्रवाई के लिए उभार रहा है, इसको दबा देना, इसको बिछाड़ देना, इसको नीचे कर देना, ये पहलवानी है, ये बहादुरी है। वल काज़िमीन अल गैज़, फरमाया गुस्से को पी जाने वाले, वल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, गुस्से को दबा देने वाले, ये वो लोग हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत का फैसला फरमाया। वल आफीन अनिन नास, और सिर्फ गुस्से को पी न जाना बल्कि अगली बात इससे बढ़कर अगला का इकदाम, वल आफीन अनिन नास, दरगुजर करना, माफ करने का जज्बा हो, लोगों को माफ करने वाले हो, गुस्सा भी दबा दें और माफ भी कर दें, दरगुजर भी कर दें, और सिर्फ दरगुजर करने पर बात ना हो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान भी करें। गुस्सा आया, घर में गुस्सा आ गया, शोहर पर गुस्सा आ गया, अपने गुस्से को दबा दिया। नंबर दो, वलाफीना अनिन नास, दरगुजर कर दी, माना उसने नाहक गुस्सा किया है फिर भी दबा दिया, उससे भी अंदर दबा दिया और उसे दरगुजर भी कर दिया। दरगुजर करने के बाद मजीद एहसान, घर में उस पर एहसान कर दिया, उसके लिए अच्छी चीजें बना के लाई, उसको अच्छी चीजें खिलाई हैं और उसके उसके साथ मोहब्बत का, हमदर्दी का इजहार किया, ये है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। पड़ोसी ने गुस्सा दिलाया, सख्त गुस्सा आ गया है, गुस्से को दबा दिया, दरगुजर भी कर दिया, उसके साथ एहसान करके कोई हदिया उसकी तरफ भेज दिया, कोई तोहफा उसकी तरफ भेज दिया। किसी पर भी गुस्सा आया है, गुस्सा आया, गुस्से को पी लिया, उसे दरगुजर भी कर दिया, मजीद उसे तोहफा और हदिया भी भेज दिया, ये आला अखलाक हैं, ये आला सिफात हैं जिन सिफात पर जन्नत का फैसला है, ये आला अखलाक हैं जिन अखलाक पर जहन्नम से खुलासी है। तो इसलिए इरशाद फरमाया सारे ओ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ लगाओ अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिसकी चौड़ान आसमानों और जमीनों के बराबर है, जिसको अल्लाह तबारक ने मुत्तकियों के लिए तैयार किया है, गुनाहों से बचने वालों के लिए तैयार किया है,
और निफाक और कुफर से बचने वालों के लिए तैयार किया, शुकूक और शुबहात से बचने वालों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने तैयार किया है। क्या ही खूबसूरत अखलाक थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आहरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा खर्च भी करते, खर्च करने का भी जज्बा, हमेशा खर्च करना और इसी तरह से गुस्से को दबाना और दरगुजर करना और एहसान करना, यही जज्बात सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन की जिंदगी में थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक यहूदी को, उन्होंने यहूदी पर कब्जा पा लिया और उस यहूदी को कत्ल करने के लिए आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके ऊपर बैठे और उसकी गर्दन उड़ाने लगे, गला उसका काटने लगे, उसने चेहरे पर थूक दिया, फौरन पीछे हट गए और फौरन छोड़ दिया और उसने कहा कि ये क्या तूने क्यों छोड़ा है। कहा पहले कत्ल करना अल्लाह की रजा के लिए था, अब बीच में मेरा गजब और मेरा गुस्सा शामिल हुआ है। देखो किस तरह से अपने गुस्से को, अपने गुस्से के जज्बात से अपने आप को पीछे कर लिया। क्या ही जिंदगी थी, उनका एक एक अमल अल्लाह की रजा के लिए था, एक एक अमल अल्लाह पाक की रजा के लिए था। तो हमें भी इसी तरह से होना चाहिए, हमारे आमाल भी अल्लाह की रजा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आमाल हों। तो ये अल्लाह की राह में माल खर्च करना, वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ गुस्से को दबाना, वल-आफ़ीन अन-नास दरगुजर करना और उसके बाद एहसान करना, ये चार मुबारक आमाल हैं जिन आमाल पर अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत का वादा दिया है। अल्लाह की राह में खर्च करना, दरगुजर करना, गुस्से को दबाना और एहसान करना, और खास तौर पर क़राबतदारियों में खर्च करना, रिश्तेदारों पर खर्च करना, वहां खर्च करना, उनकी ज्यादतियां और जुल्म आदमी के सामने होते हैं, वहां खर्च करने को जी नहीं चाहता, वहां गुस्से को दबाने को जी नहीं चाहता, वहां दरगुजर करने को जी नहीं चाहता, लेकिन आला अखलाक ये है कि वहां भी आदमी दरगुजर करे, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, अल्लाह की रजा के लिए मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। अल्लाह तबारक तआला वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, भलाई करने वालों को, नेकी करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह तबारक तआला हम सब को एक मुबारक आमाल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।